स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 करेंगे, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, वर्कबुक किसे कहते हैं, वर्कशीट क्या होती है, और इसके अलावा हम करेंगे कि वर्कशीट को हम कैसे ऐड कर सकते हैं या वर्कशीट को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, अगर हम वर्कशीट को रीनेम करना चाहे तो वो कैसे होगा, और अगर हम वर्कशीट को मूव करना चाहते हैं आगे पीछे या उसकी एक कॉपी करना चाहते हैं तो वो कैसे होगी, और सेल एड्रेस किसे कहते हैं, एक्टिव सेल क्या होता है, सेल पॉइंटर किसे कहते हैं, व्हाट इज पेज ब्रेक, और हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक या वर्टिकल पेज ब्रेक को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और जो पेज ब्रेक दिए गए हैं उनको कैसे रिमूव करना है, और रीसेट ऑल पेज ब्रेक क्या होता है। तो चलो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इट इज डिफाइंड एज ए लार्ज शीट विच कंटेन्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। ईच रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट्स टू फॉर्म ए सेल इन विच डाटा मे बी स्टोर्ड। An electronic spreadsheet is used for analyzing information for accounting purpose, performing mathematical calculations, preparing and tracking budgets, tracking income and expenses, estimating different types of cost. Most spreadsheet programs also have the ability to display results graphically. A spreadsheet offers various mathematical functions to perform the calculations. Sum is one of the functions available in the spreadsheet. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर की एप्लीकेशन होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं या हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, वो कैसे, कॉलम्स और रोज के द्वारा। ये जो सामने आपके सामने पिक्चर है, इसमें ये ए बी सी डी, ये ऊपर है, ये जो है ए बी सी डी, ये क्या है, ये कॉलम्स हैं, और ये 1, 2, 3 इधर की तरफ जो आ रहा है नीचे, ये है रोज, ठीक है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये इन सेल्स में, ये जो नीचे सेल्स दिखाए गए हैं, ये सारे छोटे छोटे ये सेल्स हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है इसको हम कई काम में यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है या अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, या हमें इनकम या अपनी एक्सपेंडिचर को ट्रैक करना है कि कहाँ ज़्यादा इनकम हो रही है या कहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। और जो ज़्यादातर स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होते हैं वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ग्राफ के रूप में भी शो कर देते हैं। जो स्प्रेडशीट होती है इसकी हेल्प से हम बहुत सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करना, डिविजन करना, कोई और भी ऐसे फंक्शंस। आमतौर पर जो सम, जो टोटल करना होता है फिगर्स को, ये एक स्प्रेडशीट का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। A spreadsheet is also known as worksheet, which allow us to perform detailed analysis on numerical data. There are different spreadsheet programs available. Some are proprietary like Microsoft Excel, others are free or open source such as OpenOffice Calc. स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं, और बहुत सी स्प्रेडशीट डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं मार्केट में। कुछ तो हैं वो पेड होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये एक पेड प्रोग्राम है, मतलब कि इसको हम वैसे डाउनलोड नहीं कर सकते, ये इलीगल होता है अगर हम पैसे पे किए बगैर इसको यूज़ करते हैं। और दूसरे जो होते हैं ओपन ऑफिस कैल्क वगैरह, ये होते हैं फ्री में और आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। नंबर 1, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज मैनुअल वर्क एंड देयर इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन कैलकुलेशंस। नंबर 2, वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन द स्प्रेडशीट्स। नंबर 3, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू प्रेजेंट द डाटा और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफिक्स। 4th, इट प्रोवाइड्स द डाटा फॉर्मेटिंग फीचर्स लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। 5th, it provides the facility of sorting and filtering the data as per our requirements. अब हम बात करते हैं कि
स्प्रेडशीट के बेनिफिट्स कौन से होते हैं। इससे जो हमारा मैनुअल वर्क है ये बहुत कम हो जाता है, और जो कैलकुलेशंस में जो हम एरर कर देते हैं मैनुअल कैलकुलेशन में कई बार, वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, इसमें गलती के चांस बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं, ठीक है। और हम स्प्रेडशीट के द्वारा ना बहुत सा डाटा जो है हम स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा है कि हम जो डाटा है या जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्प्रेडशीट में फिल की है उसको हम चार्ट्स और ग्राफ्स के रूप में भी शो कर सकते हैं। सपोज करो कि ये आपके पास कि हर महीने आपके पास कितनी सेल हो रही है, ये आप ऐसे चार्ट के रूप में भी स्प्रेडशीट में आप ग्राफ्स के रूप में या चार्ट्स के रूप में भी शो कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स में जैसे डेटा फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग और फिल्टर। अब हमारे सामने MS Excel की फाइल खुली हुई है और अब हम देखते हैं कि ये जो A, B, C, D जो ऊपर हैं ये कॉलम्स हैं और ये जो 1, 2, 3, 4 ये रोज हैं, ठीक है। तो ये जो सारी फाइल है इसको हम वर्कशीट कहते हैं। हम जिस पॉइंट पर क्लिक कर देते हैं, सपोज करो ये सेल्स हैं, जो भी जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, हम अब इसको जो चेंजेस किए हैं हम इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं। सेव एज की ऑप्शन में जाकर जब हम क्लिक करते हैं तो हम इसे पीसी में या किसी और जगह पर जहां भी हम इसको सेव करना चाहें, अब हम यहां डेस्कटॉप में सेव कर रहे हैं तो ये डेस्कटॉप में जाकर हम इसको फाइल का नाम देंगे और बाद में इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं। वर्कबुक एंड वर्कशीट। अ वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स टू हेल्प यू ऑर्गेनाइज डेटा। बाय डिफॉल्ट देयर इज ओनली वन वर्कशीट इन एवरी माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक। इन अर्लियर वर्जन्स द डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स वर 3। इन ओपन ऑफिस कैल्क द डिफॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन स्प्रेडशीट इज 3। Extra worksheets can be added as and when required. Each workbook can contain up to 255 worksheets. In Excel, a worksheet is a single spreadsheet of data. The tab at the bottom of the screen represent different worksheets within a workbook. Each worksheet contains columns and rows. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि वर्कबुक और वर्कशीट किसे कहते हैं। वर्कबुक में एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होती हैं जिसकी मदद से हम अपना डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो उस वर्कबुक में सिर्फ एक ही वर्कशीट होती है। जो MS Excel के पहले वर्जन्स थे उन पर डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट्स जो थी वो 3 थी। अगर हम ओपन ऑफिस कैल्क की बात करें तो उसमें डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट्स 3 हैं। अगर हम ऊपरी सामने अपनी फोटो जो है आपके सामने पिक्चर है अगर हम उसकी बात करें तो आपको ये दिखाई दे रहा है नीचे कि इसमें ये एक ही वर्कशीट है, ठीक है। अगर हम नीचे जो ओपन ऑफिस कैल्क की बात करते हैं तो इसमें ये नंबर ऑफ शीट्स आपको दिखाई दे रही है, बाय डिफॉल्ट ये 3 हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि MS Excel में कितनी फाइल्स होती हैं बाय डिफॉल्ट या ओपन ऑफिस कैल्क में कितनी होती हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे जो बॉटम में जो है वहां पर ही जाकर हमें वर्कशीट्स दिखाई देती हैं। ये जो वर्कशीट होती है उसमें क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं या रोज। कॉलम्स जैसे आपको शो किया हुआ है, ये कॉलम्स ऊपर से नीचे को जा रहे हैं, ये कॉलम्स हैं, ये ऊपर से नीचे को जा रहे हैं, ये कॉलम्स हैं, ठीक है। और ये जो ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं, ये क्या है, रोज, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं। हाउ वी कैन ऐड ए न्यू वर्कशीट इन एन एक्सेल वर्कबुक। नंबर 1, सेलेक्ट दी plus icon at the bottom of the screen, or number 2, select home, then insert sheet. अब हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेल वर्कबुक में हम अगर नई वर्कशीट को ऐड करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। हम स्क्रीन के बॉटम में जो अगर जाएंगे तो वहां पर एक प्लस का आइकन दिखाई देगा, अगर हम उसको क्लिक कर देते हैं तो एक नई वर्कशीट ऐड हो जाती है। और दूसरी ऑप्शन है हम होम में जाकर इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट शीट की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। हाउ टू डिलीट अ वर्कशीट इन एन एक्सेल वर्कबुक। नंबर 1, राइट क्लिक द शीट टैब एंड सेलेक्ट डिलीट, और नंबर 2, ओपन द शीट व्हिच यू वांट टू डिलीट एंड देन सेलेक्ट होम देन डिलीट शीट। एक्सेल वर्कबुक में हम वर्कशीट को कैसे डिलीट कर सकते हैं।
हमने जिस वर्कशीट को डिलीट करना है उसको जाकर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाती है डिलीट की, उसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। दूसरा है कि जिस वर्कशीट को हम डिलीट करना चाहते हैं उस शीट को खोलें और बाद में होम में जाकर डिलीट की ऑप्शन में डिलीट शीट को सिलेक्ट करें तो वर्कशीट डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट है हाउ टू रिनेम अ वर्कशीट। नंबर वन, डबल क्लिक द शीट टैब एंड टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस कंट्रोल प्लस एस टू सेव चेंजेस। और नंबर टू, राइट क्लिक द शीट टैब, क्लिक रीनेम, टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस कंट्रोल प्लस एस टू सेव चेंजेस। वर्कशीट का अगर हम नाम बदलना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? जिस शीट का हम नाम बदलना चाहते हैं उसकी शीट टैब में जाकर उसको अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हम वहां पर अपना नया नाम जो शीट को देना है वो लिखकर कंट्रोल एस की कमांड दे सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन है कि शीट टैब में जाकर हम उसको राइट क्लिक करते हैं, दोबारा नाम लिखते हैं, रीनेम के ऑप्शन में जाकर दोबारा नाम लिखकर कंट्रोल एस की कमांड देते हैं। ये जो सारी ऑप्शंस जो आपको दी हुई हैं ऊपर कि वर्कशीट को कैसे ऐड करना है, डिलीट करना है या रीनेम करना है, ये वैसे तो अगर प्रैक्टिकली करें तो बहुत आसान होता है, पर देखने में ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है इसलिए आपको ये दिखाया गया है। हम नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिखाएंगे कि हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल में हम इन वर्कशीट्स को कैसे ऐड या डिलीट कर सकते हैं। ये आपके सामने वर्कशीट एक खुल गई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऐड हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर वर्कशीट। ये शीट वन है, हम इसके साथ ही जो नीचे जो है कमांड दी हुई है प्लस की, ठीक है, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो एक शीट ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये एडिशन ऑफ वर्कशीट हो गई, न्यू शीट की कमांड जो है, ठीक है। अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो शीट थ्री ऐड हो जाएगी। अगर हम शीट वन को दोबारा सपोज करो हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमें दिखाई दे रही है, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी। अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट को क्लिक करते हैं तो वर्कशीट में को क्लिक करके ओके करके ये एक कमांड भी हो सकती है वर्कशीट को ऐड करने की, ठीक है। एक तो प्लस वाली थी और एक दूसरी थी, और अब हम क्या है एक शीट ऐड की, अब हमें ये चार ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। हम डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं शीट को तो ये जो शीट है ये डिलीट हो गई, शीट नंबर वन हमारे सामने जो थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं रीनेम, रीनेम के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हम इस शीट का नाम दोबारा लिख सकते हैं। ये देखो हम नाम लिखते हैं, अब इसको रीनेम के ऑप्शन में जाकर अब हमने इसका नाम टाइप कर दिया शीट फाइव, ठीक है। और हम अब देखते हैं कि मूव करना चाहते हैं इस शीट को, सपोज करो ये शीट को फाइव को मूव कर रहे हैं हम, ये बाद में आए शीट थ्री के बाद में, तो हम मूव को जब हम क्लिक करते हैं तो ये आ गया कि कहां पर मूव करना है, मूव टू दी एंड, क्योंकि ये शीट फाइव है ना, हम चाहेंगे खीर में जाए, ओके की कमांड देंगे तो शीट थ्री के बाद में ये एंड में आ रही है, ठीक है। अब हम करते हैं कि हम चाहते हैं कि शीट को हम ये रीनेम के ऑप्शन है, ये अब कॉपी के ऑप्शन भी है यहां पर, ठीक है। ये हम अब हम गए शीट थ्री में और कुछ भी सेव करते हैं, सपोज करो ये शीट देखना है कि शीट थ्री ही हम इसकी भी कॉपी हो रही है, ये वही है जो शीट थ्री है। अगर हम ये देखो ये है टू क्रिएट ए कॉपी, इसको क्लिक करते हैं तो ये शीट थ्री की एक सेकेंड कॉपी भी क्रिएट हो गई, ठीक है। इस तरह आपने देखा कि हम राइट क्लिक को करके इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, मूव और कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि चारों ऑप्शंस को हमने अब करके देख लिए। नेक्स्ट, रोज एंड कॉलम्स। द रोज इन अ वर्कशीट आर नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द लेफ्ट कॉलम ऑफ द वर्कशीट, whereas the columns are labeled from left to right with letters. Each worksheet MS Excel can contains 10,48,576 rows and 16,384 columns. Maximum width of column is 255 characters. Rows run horizontally and columns run vertically. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि रोज जो होती हैं ये ऊपर से नीचे को जा रही है, ये आप देख रहे हैं ये वन से शुरू होती हैं और नीचे चलती जाती हैं और लास्ट में जो आपको रो दिखाई दे रही है वो ये है
10,48,576, ये एमएस एक्सेल की वर्कशीट है जिसमें इतनी रोज होती है। ये हमें क्वेश्चन आ सकता है कि ज्यादा से ज्यादा रोज एमएस एक्सेल की वर्कशीट में कितनी होती हैं, और हमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉलम्स कितने होते हैं, तो वे होते हैं, ये आपको फिगर में सबसे दिखाया गया है, वैसे तो होते हैं एक्स एफ डी लास्ट कॉलम जो होता है, ठीक है, पर उसको अगर हम वैसे काउंट करें तो ये 16,384 कॉलम्स बन जाते हैं। अगर हम किसी भी कॉलम को विड्थ के रूप में देखें उसमें कितने करेक्टर लिख सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 255 करेक्टर्स को लिख सकते हैं। ये जो रोज होती हैं ये हॉरिजॉन्टली रन करती हैं, ये ऐसे, ठीक है, और जो कॉलम्स होते हैं उसको ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है सेल। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, वेयर यूजर कैन स्टोर द डाटा और इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, सेल C5 इज लोकेटेड वेयर कॉलम सी एंड रो 5 मीट। जो सेल होता है वो रो और कॉलम की इंटरसेक्शन, जहां जो एक दूसरे को काटते हैं वहां पर चलकर सेल फॉर्म हो जाता है। यहां पर आपको नीचे वाली पिक्चर में दिखाया गया है कि ये सेल 5 जो है वे वहां पर लोकेटेड है जहां पर रो 5 है, ये है रो 5 और ऊपर से जो है कॉलम सी है, ठीक है, ये क्या हो गया सेल C5, जहां पर कॉलम सी और रो 5 आपस में मिलते हैं, ठीक। ये आपके सामने पिक्चर आ गई, ये है कॉलम्स आपके सामने, ऊपर वाली लाइन जो ABCD, ये जो नीचे है ये 1, 2, 3, 4 ये रोज है, ठीक है। अगर हम किसी भी पॉइंट पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये क्या है, रो 7 और डी कॉलम है, यानी कि डी 7 कॉलम हो गया, ठीक है। अगर ये देखो ये डी है ना, डी कॉलम और कॉलम आपको रो 7 है, और इसका जो एड्रेस है वो ये दिखाई दे रहा है ऊपर कि ये कॉलम का एड्रेस क्या है या नेम बॉक्स क्या है, D7 है, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं। सेल एड्रेस। ईच सेल हैज इट्स ओन नेम और सेल एड्रेस दैट कंसिस्ट्स ऑफ द कॉलम नेम फॉलोड बाय द रो नंबर। फॉर एग्जांपल, C5 इज ए सेल एड्रेस वेयर C इज द कॉलम नेम एंड 5 इज रो नंबर। अब क्वेश्चन है कि सेल एड्रेस क्या कहते हैं। जो कोई भी जो सेल है उसका अपना एक नेम होता है या सेल का एक अपना एड्रेस होता है। ये सेल एड्रेस क्या होता है, इसमें सबसे पहले आता है कॉलम नेम, जिस भी कॉलम में हम क्लिक करते हैं उसकी कॉलम में कौन सा कॉलम है, और उसके बाद में जो होता है उसका रो आती है। सपोज करो हम C5 में क्लिक करते हैं तो ये क्या है, सबसे पहले सी क्या है, ये कॉलम है, और 5 क्या है, रो का नंबर है, जैसे कि आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है। एक्टिव सेल। द करंटली सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड एक्टिव सेल। जिस भी सेल में हम काम कर रहे होते हैं, जहां जिस सेल को हम काम करने के लिए चुनते हैं, जहां पर ब्लिंकिंग होती है थोड़ी बहुत, वो एक्टिव सेल होता है। इस पिक्चर में नीचे वाली में दिखाया गया है कि वहां पर एक रेक्टेंगुलर पिक्चर बन जाते हैं, उसको एक्टिव सेल कहते हैं। सेल पॉइंटर। एन एक्टिव सेल हैज ए हाइलाइटेड रेक्टेंगुलर बाउंड्री कॉल्ड सेल पॉइंटर। जो भी एक्टिव सेल होता है उसकी एक हाइलाइटेड बाउंड्री बन जाती है जिसको हम सेल पॉइंटर कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये D7 है, ठीक है, इसमें क्या है, कॉलम क्या है D और रो कौन सी है 7, ठीक है, और ये D7 एक हाइलाइटेड है सेल, ठीक है, ये क्या है, एक्टिव सेल है, और इसके ये जो बाउंड्री बनी हुई है इसके आसपास, ये अब D9 में आ गए हैं, ठीक है, ये क्या है, इसके आसपास जो बाउंड्री बनी हुई है ये क्या है, ये सेल पॉइंटर है। अब हम इसमें कोई भी जो डाटा फीड कर सकते हैं। अब हम D11 में आ गए हैं, ठीक है, ये क्या है, अब D11 एक्टिव सेल है हमारा, पहले D9 था अब D11 हो गया, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। पिच ब्रेक। अ पिच ब्रेक इज ए कोड और कमांड बाय अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर, टेलिंग द प्रिंटर वेयर टू एंड द करंट पेज एंड बिगिन द नेक्स्ट। पेज ब्रेक क्या होता है, ये एक कमांड होती है या कोड होता है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम देता है, जिससे कि प्रिंटर को ये पता चलता है कि करंट पेज को कहां एंड करना है और नेक्स्ट पेज से कहां से प्रिंटिंग शुरू करनी है। इंसर्ट हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक।
For example, if you want row 14 to be the first row of a new page, select cell A14 or row 14. Choose page layout, then page setup group, then breaks, then insert page break. इस पिक्चर में हमने सामने जो पिक्चर दिखाई हुई है इसमें दिखाया गया है कि हम अगर सपोज करो चाहते हैं कि 13th रो तक तो जो इंफॉर्मेशन है वो पहले पेज में आए और अगर हम प्रिंट करें तो 14th रो से जो अगले वाली जो भी डाटा है वो नेक्स्ट पेज में आए तो हम क्या करेंगे पहले सेल A4 को सिलेक्ट करेंगे इस पिक्चर के हिसाब से या रो 14 को सिलेक्ट करेंगे ठीक है और उसके बाद हम ऊपर सबसे ऊपर पेज लेआउट में जाते हैं ये देखो ये पेज लेआउट है इसमें जाते हैं फिर वहां पर जाकर पेज सेटअप में और फिर में हम पेज ब्रेक में जाते हैं और बाद में हम इंसर्ट पेज ब्रेक में जाते हैं तो इससे क्या होता है हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक हो जाता है। अब हम इसको पिक्चर के रूप में आपको शो करते हैं कि एक्चुअली में ऐसे कैसे होता है। ये देखो हम चाहते हैं कि 13th के अगले वाली रो जो है वहां पर नेक्स्ट रो से शुरू हो 14th से डाटा नेक्स्ट रो से शुरू हो 14th की लाइन जो है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको हम क्लिक करेंगे रो को सेलेक्ट कर लेंगे या सेल जो है A14 को सिलेक्ट करेंगे ठीक है इसको सेलेक्ट किया और फिर हम पेज लेआउट में गए फिर पेज सेटअप में गए फिर हम ब्रेक में गए और इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे तो अब आपके सामने ये शो हो रहा है कि ये एक लाइन जो है ब्रेक की आ गई कि ये एक नया पेज क्रिएट हो गया है नीचे वाला ठीक है इसको क्या कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो 13th रो तक होगी वो पहले पेज में आएगी और जब हम प्रिंट की कमांड देंगे तो 14th रो के नीचे वाली जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेकंड पेज में आएगी Insert vertical page break. If you want to insert a vertical page break before a column, you need to select the first cell of the column and then choose page layout, then page setup, then breaks, then insert page break to create a page break. अगर हम चाहते हैं कि suppose करो कि A और B column की जो 13th point तक है वो पहले पेज में आई और उसके बाद में जो C column है वो next पेज में आई C column की जो भी information है जब बाकी की rows हैं तो इसके लिए हमें वर्टिकल पेज ब्रेक को इंसर्ट करना पड़ता है इसके लिए हम क्या करते हैं या तो हम कॉलम सी को सिलेक्ट कर लेते हैं ऊपर या सी वन को सिलेक्ट कर लेते हैं कॉलम को ठीक है इस पिक्चर के हिसाब से यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं और जब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये सारा कॉलम जो है वो ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट हो जाता है फिर हम ऊपर पेज ये जो है पेज लेआउट में जाते हैं और पेज लेआउट में जाकर फिर हम उसी तरह पेज सेटअप में जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक में जाते हैं तो हमारे सामने जो है वर्टिकल पेज ब्रेक हो जाता है हम इसको प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं हमने पहले ही किया था कि वर्टिकल पेज हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक किया था ठीक है अब हम करेंगे वर्टिकल पेज ब्रेक कैसे होता है ठीक है तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है डी कॉलम के बाद में जो भी है वो नेक्स्ट पेज में शो हो हम इसको ई में क्लिक किया और अब हमने क्या किया इसको सिलेक्ट करने के बाद हम पेज लेआउट में गए पेज सेटअप में गए और ब्रेक को क्लिक करते हैं तो इंसर्ट पेज ब्रेक को क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये शो हो रही है ऊपर से डी और ई के बीच में एक लाइन शो हो रही है यानी कि जो भी डी के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन ई में आई है वो नेक्स्ट पेज में ही शो होगी जब आप प्रिंटिंग की कमांड देंगे Next, remove page break in Excel. If you want to remove a horizontal page break, select the cell which is below to the page break you want to remove and click page layout, then breaks, then remove page break. If you want to remove a vertical page break, select the any cell of the column which is right to the page break you want to remove and click page layout, then breaks, then remove page break. अब आ गया कि हमने ये तो create कर लिए कि हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक कैसे करनी है या वर्टिकल पेज ब्रेक कैसे क्रिएट करनी है अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमने ये ब्रेक क्रिएट की है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसको डिलीट करना है हम नहीं चाहते कि ये नेक्स्ट पेज में आए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम जहां पर हमने क्रिएट की थी पेज ब्रेक उसके नीचे वाले सेल में किसी में जाएंगे और वहां पर जाकर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हम पेज लेआउट में जाकर ब्रेक में जाकर रिमूव पेज ब्रेक की कमांड देंगे और जैसे कि
नेक्स्ट जो है ये है, ये क्या है, वर्टिकल पेज ब्रेक जो है हम करना चाहते हैं कि जो बी कॉलम की जो भी फिगर्स हैं उसके ए और बी के बीच में जो वर्टिकल पेज ब्रेक किया है हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि बी के कॉलम में किसी भी सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो राइट हैंड की तरफ होगा, ए के राइट हैंड की तरफ होगा, उसको सिलेक्ट करते हैं ए कॉलम के राइट हैंड के बीच में जो भी बी के नीचे कोई भी कॉलम है तो सेल है उसको सिलेक्ट करके उसके बाद हमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर उसी तरह पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक और रिमूव पेज ब्रेक करेंगे। तो ये हमारे जो जो भी हमने वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक किए होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट करके भी देखते हैं वो कैसे डिलीट हो सकते हैं। ये हमने पिक्चर में दिखाया हुआ है कि हमने वर्टिकल पेज ब्रेक भी, हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक भी दिया हुआ है और वर्टिकल पेज ब्रेक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले वर्टिकल पेज हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो हम ये 14th रो में हम किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक सेल को सिलेक्ट कर लिया, ये बी 14 है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम पेज लेआउट में जाते हैं, फिर उसी तरह पेज सेटअप ब्रेक और रिमूव पेज ब्रेक ये ऑप्शन होती है, इसको क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक थी ये डिलीट हो गई और हम वर्टिकल जो पेज ब्रेक है ये ऊपर से नीचे जा रही है इसको ब्रेक करना है। तो डी के इधर ई है, ई के इधर के किसी भी सेल को, ई के नीचे वाले कॉलम में किसी भी सेल को हम क्लिक कर देते हैं जो उस पेज में हो। तो उसके बाद हमें जाकर उसी तरह ब्रेक में जाकर हमने रिमूव पेज ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पेज ब्रेक थे उसको हमने बारी बारी रिमूव कर दिया। नेक्स्ट, रिमूव ऑल मैनुअल पेज ब्रेक्स, चूज पेज लेआउट, देन पेज सेटअप, देन ब्रेक्स, देन रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सपोज करो हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक जो मैनुअल डाला था या वर्टिकल पेज ब्रेक जो मैनुअल डाला था उनमें से किसी एक को डिलीट करना है या बारों बार एक एक करके किया। पर हम अगर चाहते हैं कि जो भी हमने पेज ब्रेक जितने भी डाले हैं अपनी वर्कशीट में, स्प्रेडशीट में, 1, 2, 4 जितने भी डाले हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उन सबको एक ही झटके में सभी को रिमूव करना है, तो उसकी क्या ऑप्शन है, हम उसी तरह पेज लेआउट में जाते हैं और उसके बाद पेज सेटअप में जाकर ब्रेक में जाकर रीसेट ऑल पेज ब्रेक की कमांड को क्लिक कर देते हैं। तो उससे जो भी पेज ब्रेक्स हमने दी हुई हैं मैनुअल उस सबको डिलीशन हो जाती है। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, एक पेज ब्रेक इंसर्ट करते हैं। ठीक है, पहले वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी दोनों की एक एडिशन करते हैं पहले। तो ये हमने एक पहले यहां पर क्लिक की और एक हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक ऐड किया और अब हम यहां पर वर्टिकल पेज ब्रेक, ये देखा ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेज ब्रेक हमने क्रिएट कर लिए। ठीक है, और हम अब चाहते हैं कि ये हम इसको रिमूव कर दे सारे को, जो भी हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेज ब्रेक है एक ही सेटअप में एक ही बार में डिलीट कर दे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स को कर दिया। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं सारे पेज ब्रेक्स जो हमने मैनुअली डाले थे वो रिमूव हो गए। ठीक है, ये आपको इसीलिए समझा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आना चाहिए कि कैसे पेज जो ब्रेक कैसे डाले जाते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और कैसे इनको एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या एक ही बार में सभी पेज ब्रेक्स को हम डिलीट कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। एड्रेस बार, इट इज आल्सो कॉल्ड नेम बॉक्स, इट इज द स्मॉल इनपुट बार सिचुएटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द स्प्रेडशीट विंडो एंड शोस द एड्रेस ऑफ द करंट एक्टिव सेल। हमें ये पता होना चाहिए कि एड्रेस बार किसे कहते हैं। अगर हम स्प्रेडशीट को खोलते हैं तो ऊपर की तरफ जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि एक एड्रेस बार शो होता है जिस सेल को हम क्लिक करके एक्टिव रखते हैं या कि जिस सेल में हम काम कर रहे होते हैं उसका एक एड्रेस होता है जो बाईं तरफ ऊपरी तरफ दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या होता है, करंट एक्टिव सेल का एड्रेस होता है। फार्मूला बार, इट इज एन इनपुट बार सिचुएटेड जस्ट बिलो द रिबन, इट शोस द कंटेंट और फार्मूला ऑफ द करंट एक्टिव सेल। फार्मूला बार क्या होता है, ये रिबन के बिल्कुल नीचे जस्ट बिलो सिचुएटेड होता है। इसमें हम
किसी भी सेल में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें हम वैसे या तो डाटा भरेंगे या फार्मूला लिखा होगा, ठीक है। और ये जो फार्मूला बार है ये वही शो करता है कि जो हम सेल में जो भी कंटेंट हम लिख रहे हैं या उस सेल का जो भी जो फार्मूला है वो फार्मूला बार में शो हो जाता है। स्टेटस बार, इट इज अ थिन बार सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट विंडो। इट शोस द करंट स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन। ये स्टेटस बार है, ये जो हमारी जो स्प्रेडशीट की स्क्रीन होती है उसके सबसे नीचे वाला जो लाइन होती है उसको स्टेटस बार कहते हैं। ये स्टेटस शो करता है कि एप्लीकेशन का क्या है, ये रेडी है या इसमें कोई प्रोसेसिंग का सिस्टम चल रहा है। How many cells would be there in the cell range? Even column B3, there would be 6 cells in the given cell range. यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक सेल रेंज आपको दी हुई है, यहाँ पर A1 और B3 दी हुई है, उसमें कितने सेल्स हैं इस सेल रेंज में? यहाँ पर 6 है आंसर। सपोज करो आपको ये सेल रेंज जो है वो बढ़कर सपोज करो आपको दे देते हैं A1, सपोज करो ये आ जाती है D3, यानी कि इस पिक्चर के हिसाब से ये आपको A1 और D3, यानी कि यहाँ से जाकर ये आपको यहाँ तक आपको ये देनी होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 3 इधर हो गए, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, यानी कि ये 12 सेल्स हो जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको पेपर में आ जाए कि कैसे हैं तो आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि इधर कॉलम्स हैं और इधर रोज हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। राइट डाउन द फार्मूला फॉर एडिंग वैल्यूज ऑफ सेल A1 टू A4। फार्मूला फॉर एडिंग वैल्यूज ऑफ सेल A1 टू A4 वुड बी इज इक्वल टू सम A1 कॉलन A4। अगर हम स्प्रेडशीट में जाकर कुछ भी जोड़ना चाहते हैं, किसी भी सेल्स की आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें इज इक्वल टू डालना पड़ता है, फिर हमें सम कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद में हमें जो ब्रैकेट है अंदर की तरफ होती है उसको लिखना पड़ता है, और सबसे पहले जिस सेल से हमने एंट्री शुरू करनी है, एडिंग शुरू करनी है, सबसे पहले उस सेल का नाम आएगा। यहाँ पर हमने A1 की सबसे पहले वैल्यू लेनी है और A4 तक जाना है, और उसके बाद हम कोलन डालकर जो लास्ट सेल जिसको हम ऐड करना चाहते हैं उसको एंटर करके जो है ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और उसके बाद जब हम एंटर करते हैं तो नीचे जो है वो एक्टिव सेल जो भी होता है उसमें वो उसका सम आ जाता है। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you. Thank you.